हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा। जेनेवा दोस्तों कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं इन सेक्शन में ज़्यादा बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि टाइम ख़राब होता है दोस्तों ज़्यादा बात करने से, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक विदेशी छात्र को निम्नलिखित परीक्षाओं में से कौन सी परीक्षा पास करनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों एक ये परीक्षा होती है, TOEFL। कौन सी दोस्तों? TOEFL। और याद करने के लिए टोफेल लिख दीजिए आप। क्या? टोफेल। एक टोफेल नाम की एक परीक्षा होती है, उसको दोस्तों पास करना पड़ता है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी शैक्षिक संस्थान में आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे दोस्तों ये पूछे हुए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से लेकर आ रहा हूँ। भारत में साइबेरियन साइरस, जो साइबेरियन सारस है, वो सामान्यतः कहाँ देखे जाते हैं दोस्तों? केवलादेव घाना पक्षी विहार। कहाँ पर दोस्तों? केवलादेव घाना पक्षी विहार में दोस्तों ये जो साइबेरियन क्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये देखे जाते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पर है पूछा जाता है एग्जाम में? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर की अगर बात करूँ दोस्तों, तो रणथंभौर कहाँ पर है दोस्तों? ये भी राजस्थान में है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसबर्ग का सही रूप व्यक्त करता है? तो दोस्तों आइसबर्ग क्या होती है? एक बर्फ तोड़ने वाला जहाज है जो 14वें भारतीय अभियान दल को अंटार्कटिका ले गया था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइसबर्ग क्या है दोस्तों? आइसबर्ग क्या है? ये एक आइस ब्रेकर है, आइस ब्रेकर। तो ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता दी जाती है? तो जापान सरकार द्वारा दोस्तों सहायता दी जाती है। किसको दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तीन जोड़े गलत हैं, सही को ढूंढा जाए। तो लिखित संविधान दोस्तों, गलत। एकात्मक राज्य दोस्तों, गलत। संयुक्त राष्ट्र महासभा निषेधाधिकार, गलत दोस्तों। सार्क जो है द्विपक्षीय मुद्दे नहीं है, ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है, वह कौन सा दीर्घपराक्षी प्रक्षेपास्त्र है जिसकी परीक्षण पाकिस्तान ने भारत की अग्नि 2 के परीक्षण के तुरंत बाद किया था दोस्तों? गौरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिया इसमें, ठीक है? 1999 का क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों प्रोफेसर अमृत सेन के बारे में बताया गया, ये प्रोफेसर हैं। अखबारों में इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सामाजिक अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर अमृत सेन को दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी मिला था अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। उन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया जा चुका है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी प्राप्त किया जा चुका है। तो सभी सही आंसर है इसके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1997 से पीछे हट गया था? तो दोस्तों यूएसए जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से पीछे हट गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे कौन सा प्रोटोकॉल किया था? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। और ओजोन लेयर के लिए दोस्तों कौन सा किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर के लिए, किसके? ओजोन लेयर के लिए दोस्तों कौन सा था? मॉन्ट्रियल। कौन सा था? मॉन्ट्रियल, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल था, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन की परत किस लेयर में पाई जाती है, जो वायुमंडलीय परतें हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। किस में? स्ट्रेटोस्फेयर में दोस्तों ये लेयर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों सऊदी अरब की जो मुद्रा होती है वो है रियाल। क्या है दोस्तों? रियाल। दीरम दोस्तों दुबई की है, ध्यान रखिएगा। किसकी है? दुबई। ठीक ना दोस्तों। और जो रिंगिट है, रिंगिट ये दोस्तों कहां की है? ये है मलेशिया की। कहां की है दोस्तों? मलेशिया। और मलेशियाई कैपिटल दोस्तों क्या है? कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण है समान लागत अंतर, निरपेक्ष लागत या तुलनात्मक लागत अंतर। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो दोस्तों सभी को पता है नीला, समुद्री नीला यानी कि ब्लू, ठीक है ना। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? नेवी ब्लू बोलते हैं इसको, नेवी ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया 2001 में महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश थे, ये ध्यान रखिएगा। कौन थे? आयरिश, आयरलैंड से थे। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से वह मजदूर संघ कौन सा है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है? तो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है दोस्तों वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक सेकंड, दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी और देनी थी आपको। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्मचक्र रंग दोस्तों कैसा है? नेवी ब्लू है। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है ना दोस्तों कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को दोस्तों हमारा जो फ्लैग था वो अपना लिया गया था, ठीक है ना। और तिरंगे के बीच में दोस्तों निहित चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका रंग दोस्तों कैसा है? गहरा नीला। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में विधानमंडल का अपर सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली होता है? जैसे कि दोस्तों हमारे भारत में लोकसभा, ठीक है ना, और राज्यसभा। तो दोस्तों राज्यसभा सबसे ज़्यादा, इसको दोस्तों अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, और इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपर हाउस दोस्तों ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश में विधानमंडल जो है वो, जैसे कि अपर सदन जो है वो निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है। किसमें दोस्तों? ब्रिटेन में, ठीक है ना। सॉरी, तो दोस्तों ब्रिटेन में विधानमंडल का अपर सदन जो है वो निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है, जबकि भारत में लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है ना, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली है। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जो लोकसभा है दोस्तों वो अधिक शक्तिशाली है एज कंपेयर टू राज्यसभा, लेकिन अपर हाउस दोस्तों राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस दोस्तों लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को दोस्तों हाउस ऑफ पीपल भी वो कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जो लोकसभा है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों दार्जिलिंग में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना।
भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दोस्तों लगा दार्जिलिंग में, 130 मेगावाट का किलोवाट का स्थापित की। इसके बाद दोस्तों 1902 में कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। तो एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव सुंदरम जल विद्युत केंद्र दोस्तों किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम प्रसारण किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में जो रेडियो का प्रसारण हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1927 में दोस्तों क्या हुआ था, भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। पूछा जा सकता है आपसे कहां पर शुरू हुआ था, बंबई में और कलकत्ता में, ठीक है ना। इस प्रकार दोस्तों भारत में जो रेडियो की शुरुआत हुई थी ना वो निजी प्रयासों से हुई थी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों शारदा बांध जो है, शारदा बांध वो टनकपुर बांध तथा पंचेश्वर बांध, ये तीनों भारत के सहयोग से नेपाल में बनाए गए हैं। जबकि चुक्का बांध दोस्तों भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, तो ये दोस्तों नहीं बनाए गए। तो आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, शारदा बांध, टनकपुर बांध, पंचेश्वर परियोजना, ये दोस्तों भारत और नेपाल के सहयोग से बनाई गई थी। लेकिन जो चुक्का परियोजना है, चुक्का, वो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के सहयोग से बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो चुक्का परियोजना है वो भारत और किस देश के सहयोग से बनी है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। सही आंसर है दोस्तों भारत तथा भूटान की संयुक्त परियोजना है ये चुक्का परियोजना। तो ध्यान रखना चुक्का परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा चुक्का परियोजना, ठीक है। भारत और कौन सा, भूटान, भूटान की कैपिटल दोस्तों क्या है, थिम्पू, ठीक है ना। भूटान की कैपिटल दोस्तों क्या है, थिम्पू। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों, आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी मुद्रा है? तो दोस्तों ध्यान रखना पाउंड, पाउंड जो है वो सबसे महंगी मुद्रा है। रुपया आधारित मौद्रिक मूल्य विवेचन इस प्रकार है दोस्तों, यूरो 69 रुपये, पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों 81 रुपये, फ्रेंच फ्रैंक तथा स्विस फ्रैंक को यूरो में बदल दिया गया, आधारित मुद्रा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो पाउंड जो है वो सबसे महंगी मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, मनीला फिलीपींस में, ठीक है ना। प्राप्त ऋणों का सर्वाधिक लाभ मिला दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों नर नारायण सेतु दोस्तों किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र असम के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। नर नारायण सेतु ध्यान रखना, और वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, चुक्का परियोजना भारत और भूटान के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवल ऑफिस क्या है दोस्तों, ओवल ऑफिस दोस्तों क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय होता है ओवल ऑफिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओवल ऑफिस दोस्तों व्हाइट हाउस के पश्चिम में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिस होता है। इस ओवल ऑफिस में आने वाले पहले राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे, विलियम हार्ड टॉफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है, इसीलिए दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम दोस्तों 1954 लागू नहीं होता, जम्मू कश्मीर में दोस्तों लागू नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोस्तों, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था, माइकल एंजेलो ने दोस्तों इसका रूपांकन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किटी हॉक क्या है? तो किटी हॉक एक अमेरिकी महिला है।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैपिटल हिल पर क्या स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक बाजार जो दोस्तों है वो कैपिटल हिल पर स्थित है। कहां पर है? कैपिटल हिल पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार में तो आपके दिमाग में नहीं जाएंगे, आपको दो तीन बार वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपके दिमाग में ये जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है, विस्टन स्मिथ नामक अस्मरणीय साहित्य पात्र की रचना दोस्तों किसने की थी? जॉर्ज ऑरवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों भारत का जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर अंगीकृत हो गया था। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत का संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। भारत के संविधान में 222 भाग हैं, ठीक है। और दोस्तों दोस्तों क्या है, आर्टिकल है। इस प्रकार यह दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता, जो भारत के संविधान के पिता कहा जाता है इनको, ठीक है ना, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अंबेडकर। क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सन 2002 में जारी मानव विकास सूचकांक के आधार पर सार्क देशों, सार्क का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? सार्क की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी, ध्यान रखना। सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ध्यान रखना। स्तर पर कौन सा देश है दोस्तों? ध्यान रखना, श्रीलंका, ठीक है ना। उस समय के दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए 2003 के, तो इसमें है तो वो डिस्कस हो रहे हैं दोस्तों आपसे, ठीक है ना। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश और किन देशों ने राज्य की मुख्य नीति के रूप में सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया? तो मार्गरेट थैचर के अधीन यूके, ठीक है। आयरन लेडी से नाम से प्रसिद्ध ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थी? मार्गरेट थैचर थी, ध्यान रखना। तो आपसे ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताइए दोस्तों। मार्गरेट थैचर, ठीक है ना। पहली प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अपने कार्यालय में सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया दोस्तों, क्या किया? प्राइवेटाइजेशन किया। ऐसा उन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की आयरन लेडी कौन है, बता सकते हैं आप? तो दोस्तों उनका नाम है इरोम शर्मिला। क्या नाम है दोस्तों इनका? इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला दोस्तों भारत की आयरन लेडी है, ठीक है ना। द इरोम शर्मिला आयरन ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया, सिविल राइट एक्टिविस्ट थी दोस्तों, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट थी और प्योर फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी एजेंसी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडेड तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया था? तो दोस्तों कौन सी है वो? कृषि, ये है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। ये दोस्तों जो कृषि के उत्पाद होते हैं उनको दोस्तों ग्रेड करने के लिए, उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को जानने के लिए ये संस्था थी, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। ओके दोस्तों, भारत के दोस्तों आयरन मैन तो आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय रेलवे सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी दोस्तों? वर्तमान में दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस नई दिल्ली से आगरा,
भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, जबकि नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो दोस्तों इसमें तो कोई आंसर दे ही नहीं रखा, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है ना, गतिमान एक्सप्रेस। और दोस्तों एक विवेक एक्सप्रेस और है, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस दोस्तों भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ध्यान रखिएगा विवेक एक्सप्रेस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जहां जहां के भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ध्यान रखना फिजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जो 5 नवंबर से प्रारंभ करके स्थायी लाइन टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराती है? टाटा इंडिकॉम। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक। अब देखो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया 37 में, इसमें दोस्तों गोल्डन चतुर्भुज का जिक्र किया गया है, तो गोल्डन चतुर्भुज है क्या? दोस्तों ये एक भारत सरकार की एक परियोजना है, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों सभी जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर में हो गए, दक्षिण में हो गए, पूर्व में हो गए और जो पश्चिम में हो गए, जितने भी स्टेट हैं दोस्तों उनको सबको दोस्तों लिंक किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों पता है इसमें क्या हुआ था कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दोस्तों इस परियोजना का शुरुआत हुआ था, शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। यह परियोजना दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम चरण है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों चारों तरफ से दोस्तों जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का निर्माण इसमें हो रहा है, ठीक है। जैसे कि भारत का नक्शा मान लीजिए इस तरीके से है, रफ नक्शा बना दिया मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा तो नहीं है बिल्कुल गलत बन गया सॉरी। इस तरीके से तो ये दोस्तों गोल्डन चतुर्भुज, ये इस तरीके से रोड का पूरा लिंक बनाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये गोल्डन चतुर्भुज परियोजना है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में दोस्तों शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस सड़क परियोजना से वंचित है? तो दोस्तों ध्यान रखना गया, बिहार का, बिहार में दोस्तों गया है, गया, तो उसको दोस्तों ये चतुर्भुज में नहीं होगा। ये दोस्तों तभी के क्वेश्चन हैं सारे। वह कंपनी कौन सी है जो नंबर 3 से शुरू होने वाली स्थायी टेलीकॉम सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों कौन सी है? रिलायंस इन्फोकॉम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसके भारतीय मूल के लोगों को भारत के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार किए जाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ध्यान रखना त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है ना, ये दोनों देश हैं दोस्तों जिनको दोस्तों दोहरी नागरिकता के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जानी है। दोस्तों क्वेश्चन है वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना दूरदर्शन, ठीक है। भारत सरकार दूर से शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत ज्ञान दर्शन नामक कार्यक्रम चलाया गया। ज्ञान दर्शन का प्रसारण दोस्तों दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के द्वारा होता है, जिसमें कृषि, बागवानी, चिकित्सा तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी विषयों पर परिचर्चा का प्रसारण किया जाता है। इससे दोस्तों लोगों में जानकारी आएगी, लोगों के अंदर विकास होगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनको मतलब सही फैसले लेने में मदद होगी उनकी, ठीक है ना। कोई भी विविधता आने पर वो सही फैसले ले सकेंगे। इसको दोस्तों एक तरह का जागरूकता फैलाने के लिए ये ज्ञान दर्शन दोस्तों दूरदर्शन द्वारा स्टार्टिंग करवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो दोस्तों AC वाडिया करके एक व्यक्ति थे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने
रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से मतलब फेलोशिप की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ए सी वाटिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोटे तौर पर 2002 में यूएस के डॉक्टरों में भारतीयों का प्रतिशत कितना था? तो 20%। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार ये लोग। क्वेश्चन है, ऑनर्स प्राइड नेट नेवर्स एनवी ये सेल्स लाइन है निम्नलिखित में से किस कंपनी की है? ओनिडा टीवी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे आपको डिस्कस करा रहा हूँ। तेल और गैस की सुरक्षा के लिए भारत ने विदेश में उत्पादन क्षेत्रों में निवेश किया, निम्नलिखित में से वह उत्पादन कंपनी कौन सी है जिसमें भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के शेयर हैं? तो दोस्तों एक सखालिन प्रथम नाम की एक कंपनी है जिसके दोस्तों शेयर्स हैं, इंडिया ने शेयर्स लगा रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों पर तेल रिफाइनरियों में से वह रिफाइनरी कौन सी है जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है? तो दोस्तों जामनगर की है रिफाइनरी वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिनमें अभी तक कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है? तो दोस्तों बिहार में अभी तक कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कंपनी ग्रुप कौन सा है जिसने एक स्ट्रेटेजिक साझेदार के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा VSNL के शेयर खरीदे थे? TSIL। ये दोस्तों तभी की करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉलेज तो मिल ही रही है ना। निम्नलिखित में से किस देश को कट फ्लावर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब कहा जाता है? नीदरलैंड। सबसे पहले दोस्तों इस उद्योग का विकास ब्रिटेन में हुआ था, कट फ्लावर। दोस्तों क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भूमंडलीकरण कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक रूप से सुकर बनाया गया था? टैरिफ बैरियर द्वारा कम करके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नियमावली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को टैरिफ बैरियरों को कम करने करके सुगम बनाना है, इससे विश्व भर में वस्तुओं के मूल्य में समानता या असमानता की असंगति को दूर करना है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, गत दशक के दौरान सफल व्यवसाय की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या रही? तो सफल व्यवसाय दोस्तों क्या है? व्यापार को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर स्लैब कम करना, स्लैब कम करना, टैक्स स्लैब जो है उसको कम करना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह बड़ी लीग कंपनी कौन सी है जो दिवालिया होने से बाल बाल बची? तो देवू करके एक कंपनी थी, तभी की दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका क्षेत्र अधिकार संपूर्ण भारत में फैला हुआ है? तो संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। तो दोस्तों इसका जो है, इसका क्षेत्र अधिकार संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों के लिए चार शहर केन्स, वेनिस, कार्लोवी वेरी या मॉन्ट्रियल प्रसिद्ध हैं? यह बताइए कि कार्लोवी वेरी निम्नलिखित में से किस देश में है? तो चेक गणराज्य में दोस्तों कार्लोवी वेरी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले तथा हिंदी बोलने वाले लोगों का अनुपात दोस्तों कितना है? कितना है दोस्तों? 65 और 35 अनुपात, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले 65 हैं और हिंदी बोलने वाले 35 हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा, अभी एक क्वेश्चन अभी बन रहा है कि सबसे ज़्यादा दोस्तों पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश, ठीक है ना, और उसके दूसरे नंबर के बाद दोस्तों कौन सी आती है? मैंड्रिन, ठीक है ना। मैंड्रिन दोस्तों क्या है? एक चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक है। थर्ड नंबर पर दोस्तों बोली जाती है कौन सी? हिंदी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर पर दोस्तों क्या है? हिंदी है, हमारी प्यारी हिंदी, ठीक। चलिए ये दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्री मावो भंडार नाईक जो है वो दुनिया की दोस्तों पहली प्रधानमंत्री है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये दोस्तों भंडार नाईक श्रीलंका के साथ साथ विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये दोस्तों प्रधानमंत्री जो बनी थी ना, ये दोस्तों कहाँ की प्रधानमंत्री थी? श्रीलंका की दोस्तों ये प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखिएगा। कहाँ की दोस्तों? श्रीलंका की। जयवर्धने कोट्टे दोस्तों वहाँ की कैपिटल है अभी। और वहाँ के दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो कौन है? महिंदा राजपक्षे गोटबाया। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति राजपक्षे गोटबाया। और प्रधानमंत्री जो है वो है दोस्तों महिंदा राजपक्षे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? दोस्तों SDR, ठीक है ना, पेपर गोल्ड कहा जाता है इसे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। पूछा जाता है क्वेश्चन, अब पूछा गया है क्वेश्चन, SSC CPO में पूछा गया 2003 में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों 1960 में बना था। कब बना था? 1960 में। पूछा जा सकता है आपसे कहां बना था? देहरादून। देहरादून कहां पर है दोस्तों? यूके। यूके कहां है दोस्तों? क्या है यूके? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? दोस्तों बेंगलोर में शुरू किया गया था, ध्यान रखना। कब किया गया था? 1998 को दोस्तों शुरू किया गया था, ठीक है ना। भारत में पहला FM रेडियो चैनल द टाइप्स ग्रुप द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1998 में दोस्तों शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्री मावो भंडार नाईक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अपने दिमाग में अपनी खोपड़ी में डाल लेना। और कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक दूसरा क्वेश्चन है, इराक में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य सत्र निरीक्षक निम्नलिखित में से कौन था? हैंस ब्लिक्स, ठीक है। वैसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। सॉरी, मोहजिर कौन है? तो दोस्तों मोहजिर जो है, मोहजिर या मोहजिर अविभाजित भारत के उस भाग के निवासी थे जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं, किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाता है? अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं, किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो फूलों की सजावट का दोस्तों ये जापानी रूप है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो पूछ ले जाएंगे आपसे, इकेबाना क्या है? फूलों की सजावट को बोलते हैं इकेबाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, किस आयु तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या कारखाना या काम में नियुक्त करने की मना है? 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको अगर तुमने किसी भी फैक्ट्री में या कोई जबरन काम करवाया तो आपको दोस्तों क्या हो सकती है? जेल हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कि किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? बिग एप्पल। तो
तो दोस्तों न्यूयॉर्क का यूएस जो शहर है वो न्यूयॉर्क शहर है यूएसए का, तो दोस्तों उसको बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। क्या है, किस एप्पल के नाम से जाता है? बिग एप्पल, ध्यान रखना बिग एप्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य के पहले शतवार्षिक उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राज्य को किसने भेंट की थी जो न्यूयॉर्क के बंदरगाह के निकट स्थित है? फ्रांस ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों, सबसे तेज नाम बाईलाइन के साथ प्रसारण कौन करता है? आज तक कौन करता है दोस्तों? आज तक करता है। सबसे तेज टैग लाइन से भारतीय न्यूज चैनल आज तक है, सबसे तेज ये टैग लाइन है दोस्तों एक, ठीक है ना। आपको बताया आज तक का जब भी चैनल आता है सबसे तेज यही बोलता है, तो उसकी टैग लाइन है ये। तो ये क्वेश्चन पूछा है ये किस न्यूज टीवी की है, तो दोस्तों आज तक की है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो दोस्तों ध्यान रखना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2050 तक भारत सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिंधु जल समझौता दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना 1960 में दोस्तों सिंधु जल समझौता हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच नदियों के जल का बंटवारा किया गया। इस समझौते के अनुसार दोस्तों व्यास नदी, रावी नदी, सतलज का नियंत्रण भारत और तीन पश्चिमी नदियाँ सिंधु और चिनाब और झेलम का नियंत्रण दोस्तों पाकिस्तान को दिया गया। तो सिंधु, चिनाब और झेलम, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। भारत को कौन सी दी थी? रावी, सतलज और ब्यास, और पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और झेलम, तो इसका सही आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के संविधान में यह प्रावधान है कि आम चुनाव से 3 माह पहले एक निष्पक्ष गैर राजनीतिक सरकार स्थापित कर दी जाएगी? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में ऐसा है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले ले तो वह किसमें शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखना जीएनपी में। किसमें शामिल किया जाएगा? जीएनपी में, भारत के जीएनपी में, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकासशील देशों में सहकारिता, ठीक है। एक दोस्तों ये क्वेश्चन है, बेन किंजले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से साथ जुड़ा हुआ था? चलचित्र, ध्यान रखना बेन किंजले किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? बेन किंजले एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता था, ऑस्कर विजेता है, इनका पूरा नाम कृष्ण पंडित है। क्वेश्चन पूछा, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982 में दोस्तों भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था, कलर टीवी। 1982 में भारत में पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण किया गया। उस समय केवल एक चैनल दूरदर्शन से ही रंगीन प्रसारण होता था, तो ये दोस्तों ध्यान रखना 1982। और भारत में पहला रेडियो प्रसारण दोस्तों कब हुआ था? 1927 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और भारत में रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है रेडियो दिवस? ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों भारत में रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, TIFR का संस्थापक निदेशक कौन है? तो HJ होमी J भाभा दोस्तों जो हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है ना, इसकी स्थापना दोस्तों, और होमी जहांगीर भाभा ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1969 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का दोस्तों मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसरो का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और इसरो द्वारा भारत का पहला दोस्तों सेटेलाइट भी पूछा जाता है, कौन सा, आर्यभट्ट, ठीक है ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में इसरो के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में इसरो के हेड कौन है, दो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है उनका, के शिवा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर में की गई थी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष के शिवान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का दोस्तों, भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम, तो 5 देशों ने दोस्तों परमाणु बम का मतलब परीक्षण पहले कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों किसने किया था, रूस ने किया था 1949 में, उसके बाद यूएसए ने परीक्षण किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया, चीन ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो विदेशी ऋणों को शामिल नहीं किया जाता निजी आय में, विदेशी ऋण को थोड़ा शामिल करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, पीरे कार्डन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, फैशन डिजाइनिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थित है, दोस्तों रुड़की में दोस्तों भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक रिकॉर्ड जो दोस्तों 1954 में दोस्तों स्थापित की गई थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों कब स्थापित करी गई थी, 1954 में। दोस्तों भारत में जो भारत रत्न है ना, भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है वो दोस्तों 1954 से ही दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, परमाणु आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था, तो 1948 में दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, दोस्तों म्यांमार को छोड़ के दोस्तों सार का कोई सदस्य नहीं है, भारत है, मालदीव है, भूटान है, लेकिन दोस्तों म्यांमार दोस्तों नहीं है। म्यांमार की दोस्तों कैपिटल क्या है दोस्तों, नेपिताओं दोस्तों म्यांमार की कैपिटल, म्यांमार की करेंसी दोस्तों क्यात है, क्या है, क्या है दोस्तों म्यांमार की करेंसी, क्यात, ठीक है। और म्यांमार की दोस्तों हेड भी पूछे जाते हैं, हेड कौन है दोस्तों, आंग सान सू की, ठीक है, वहाँ की हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो दोस्तों चीन जो दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना, भारत भी दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन पंक्ति कनेक्टिंग पीपल किससे संबंधित है, नोकिया से, कनेक्टिंग पीपल। क्वेश्चन पूछा दोस्तों, इरडा, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों इरडा की फुल फॉर्म है, क्या है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी वो दोस्तों 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1999 में, ठीक है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके एग्जाम में, नाडा, नाडा दोस्तों क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है दोस्तों, इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में है, ये दोस्तों नेशनल है, हमारे भारत की है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, इसकी चेकिंग करती है, ठीक है ना, कोई ऐसा तत्व या पदार्थ तो नहीं लिया जिससे एनर्जी या उसमें फेल पाए जाते हैं, तो इसका चेक करती है दोस्तों नाडा, ठीक है ना। ये दोस्तों नाडा जो है वो वाडा के नॉर्म्स पर काम करती है, वाडा क्या है दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ध्यान रखना। इसका भी दोस्तों मॉन्ट्रियल में ही है हेडक्वार्टर, कहाँ पर है दोस्तों, मॉन्ट्रियल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाडा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1999 में दोस्तों वाडा की स्थापना हुई थी। इसकी दोस्तों जो नाडा है इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इडरा,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी दोस्तों 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों इसका मुख्य, ये एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी दोस्तों कौन है, एक स्नूकर है, स्नूकर गेम है, और किरण मजूमदार शो दोस्तों एक इनकी बायो बायो बायोकॉन करके एक इनकी कंपनी है दोस्तों, किरण मजूमदार की, ठीक है ना। और मल्लिका साराभाई ये दोस्तों ये नृत्य से जुड़े हुए हैं, और ए ई मैनन ये दोस्तों चित्रकला से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाता है फोर्थ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों एसटीटीपी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन दोस्तों एसटीटीपी का पूरा नाम है, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों पूछी जाती है 1997 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, कब होती है 1997, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी से जुड़े जितने भी नॉर्म्स और नियम जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करवाती है कंपनी से, ठीक है ना। जितनी भी दोस्तों ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं ना, एयरटेल वोडाफोन जियो, इनकी दोस्तों इन पे कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा आप 1997, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित आकर्षित पंक्ति जॉय ऑफ फ्लाइंग किससे संबंधित है, जेट एयरवेज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ पर है, दोस्तों नैनीताल में दोस्तों एशिया की विशालतम परावर्तन दूरबीन है। भारत में बेल्जियम के सहयोग से, दोस्तों भारत में बेल्जियम के सहयोग से 2007 में उत्तराखंड के नैनीताल में परावर्तित दूरबीन बनाना प्रारंभ किया। वर्ष 2016 में यह बनकर तैयार हुई और 3.5 मीटर की ऊंची ही यह दूरबीन एशिया की सबसे विशालतम दूरबीन में से एक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है सीटीबीटी क्या है, तो दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सीटीबीटी है। यह दुनिया भर में हो रहे सशस्त्र निर्माण तथा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था। इसकी अवधारणा दोस्तों कब आई थी ये सीटीबीपी, 1996 में दोस्तों इसको बनाया गया था, ध्यान रखना। ये सीटीबीटी करती क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जितने भी वेपन्स वगैरह बन रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में तो उन पे दोस्तों नज़र रखना और उन पे बैन लगाना, ये दोस्तों इसका, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अभी दोस्तों हाल ही में ईरान जो है, ईरान दोस्तों इससे बाहर निकल आया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पहले के करंट अफेयर हैं, अभी अब तो आएंगे नहीं। सलीम अली दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सलीम अली कौन है, तो सलीम अली दोस्तों जम्मू कश्मीर के निवासी थे और इन्हें प्रख्यात पर्यावरणीय, इनको दोस्तों इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है ना, और ये पर्यावरणविद थे, ठीक है, प्रख्यात। इनके योगदान को देखते हुए जम्मू कश्मीर में दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण बनाया गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ऑर्थोनोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्थोनोलॉजी, क्या दोस्तों, ऑर्थोनोलॉजी जो थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण कहां पर स्थित है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो दोस्तों पर्यावरण और वन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना, अधिक पुराना है, तो दोस्तों आईएलओ जो है दोस्तों सबसे अधिक पुराना है संगठन है, तो दोस्तों सबसे पुराना जो संगठन है ना वो दोस्तों आईएलओ है। इन सभी में से
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके दोस्तों 1948 में स्थापना हुई थी, इसकी दोस्तों 1919 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा, जिनेवा। अभी इसके दोस्तों वर्तमान में जो हेड है ना वो कौन है दोस्तों, गाय टेलर, गाय राइडर। कौन है दोस्तों, गाय राइडर जो है वो वर्तमान में दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत आता है, SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, कहां पर है, बीजिंग में, ठीक है। और इसकी स्थापना भी दोस्तों पूछ ली जाती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2001 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो सदस्य पूछे जाते हैं तो चीन, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान दोस्तों इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। तो SCO की दोस्तों वर्तमान में जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में। तो दोस्तों अभी पाकिस्तान में ये मीटिंग हो रही है, कहाँ पर हो रही है दोस्तों, पाकिस्तान में, ठीक है। अभी SCO की स्टेट की मीटिंग अलग होती है, गवर्नमेंट की मीटिंग अलग होती है। स्टेट की मीटिंग दोस्तों कहाँ पर होगी, ये दोस्तों रशिया के अंदर होगी स्टेट की मीटिंग ना, ठीक है। और गवर्नमेंट की मीटिंग दोस्तों कहाँ पर होगी, वो दोस्तों इंडिया में होगी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकेडमी दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों हैदराबाद के अंदर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी, पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी दोस्तों कहां पर है, रायबरेली में है, ध्यान रखना, रायबरेली दोस्तों कहां पर है, लखनऊ में है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दोस्तों कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। अभी दोस्तों इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है, यानी कि IGI जो हवाई अड्डा है दोस्तों, उसको क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको मुक्त कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक से दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा मुक्त हुआ है, IGI भारत के अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दोस्तों, संसार में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, दोस्तों जुन्को तैयब जो थी वो संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और भारत की अगर बात करिए दोस्तों, संतोष यादव जो है, नहीं सॉरी संतोष यादव नहीं, भारत में दोस्तों बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और दोस्तों भारत में दो बार जो चढ़ी हैं वो संतोष यादव थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था, दोस्तों चांद पर उतरने वाला जो दूसरा आदमी था वो था बैज एल्ड्रिन, कौन था दोस्तों, बैज एल्ड्रिन जो था वो चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे, सन 1969 में दोस्तों कौन सा जहाज था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, अपोलो 11, कौन सा था दोस्तों, अपोलो 11 से दोस्तों इन्होंने चांद पर उड़ान भरी थी और चांद पर मानव जाति का पहला कदम रखा गया था। रशिया दोस्तों इस बात को पता नहीं झूठ बोलता है कि ये झूठ है, US बोलता है कि नहीं ये हमने ऐसा किया है, वहाँ पे हमने फ्लैग लहराया है, ठीक है ना, ऐसा रशिया कहता है, ऐसा US कहता है, ठीक है। लेकिन रशिया इस बात को दोस्तों नकारता है, इन दोनों में दोस्तों अभी भी मतलब मतभेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा आदमी दोस्तों कौन थे, बज एल्ड्रिन, और दोस्तों पहले आदमी कौन थे, पहले, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, कौन दोस्तों, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 1969 में दोस्तों इन्होंने कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कहां पर स्थित है, दोस्तों कोलकाता में मुख्यालय है इसका, ठीक है ना, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान मुख्यालय कोलकाता में। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1916 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पर्यावरण मंत्रालय यानी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहाँ से शुरू हुई थी? जोधपुर से दोस्तों शुरू हुई थी, ध्यान रखना कहाँ से शुरू हुई थी, जोधपुर से। जोधपुर दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में दोस्तों शहर है। 2006 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा, थार एक्सप्रेस। ठीक, 2006 से भारत के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची के बीच थार एक्सप्रेस नामक ट्रेन शुरू की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 में। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वीगा कॉरिडोर क्या जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है। 3 वीगा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। यह मुख्य रूप से भारतीय भूभाग का था जिसे 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया था। 3 वीगा कॉरिडोर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 3 वीगा कॉरिडोर। ठीक है, देखिए दोस्तों, CTBT का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया था आपको, दोबारा रिपीटेड हुआ। तो ये दोस्तों क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं उन पर नियंत्रण का कार्य दोस्तों ये CTBT करता है। ठीक है, इसकी दोस्तों स्थापना बताई गई थी मैंने आपको, 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस जहाज का नाम क्या था जिसके सितंबर 2009 में पारादीप पतन के पास डूबने से तेल बह गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रेड रोज। क्या नाम है इसका? रेड रोज, रेड रोज करके दोस्तों उसका नाम था। 2009 में दोस्तों पारादीप पतन के पास डूबने से तेल बह गया था उसमें से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दो देशों के बीच एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? व्यापार परिमाण। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? जिनेवा में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा दोस्तों कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WTO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में NDDB का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NDDB का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोस्तों इसका पूरा नाम है। और इसकी आपसे दोस्तों स्थापना भी पूछी जा सकती है, 1965, कब दोस्तों? 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड। कब होती है? 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो दोस्तों लुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त होती हैं। तो वो दोस्तों रेड डाटा बुक उसके बारे में दोस्तों बताता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी दोस्तों स्थापना रेड डाटा बुक की दोस्तों 1964 में की गई थी। पूछा जा सकता है आपसे कि रेड डाटा जो बुक है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1964। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किसकी दोस्तों? ब्रिटेन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, मणिपुर में है। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में दोस्तों केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर की दोस्तों कैपिटल इम्फाल है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नोमेडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था। भारत और मंगोलिया के बीच में दोस्तों ये अभ्यास था। तो दोस्तों एक्सरसाइज से भी बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, नोमेडिक एलिफेंट,
क्या दोस्तों? नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट दो तीन बार बोलेंगे तो ध्यान आज को आपको दिमाग में आ जाएगा। नोमेडिक एलिफेंट दोस्तों भारत और किस देश के बीच है? मंगोलियाओं के बीच, ठीक है ना। और मंगोलिया दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, राजधानी है उलान। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों क्या है? उलान, उलान बटोर, उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है। नोमेडिक एलिफेंट नामक एक एक्सरसाइज होती है, वो भारत और मंगोलिया के बीच में होती है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक है टाइगर ट्रम्फ, टाइगर ट्रम्फ दोस्तों किसके बीच में होती है? भारत और यूएसए के बीच में होती है। एक होती है दोस्तों वज्र प्रहार, वज्र प्रहार दोस्तों इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो दोस्तों सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोस्तों देश की सशस्त्र सेनाओं के चीफ होते हैं। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मनीला दोस्तों कहां पर है? फिलीपींस में है दोस्तों, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों इसकी स्थापना पूछी जाती है 1966 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की। इसका मुख्यालय दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसका ध्येय दोस्तों एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी से संघर्ष। ये दोस्तों लोन भी देती है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका। इसकी स्थापना 1966 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों मनीला फिलीपींस के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों जो इसके जो हेड है ना दोस्तों, हेड वो है ध्यान रखना अशाकावा, अशाकावा करके दोस्तों इसके हेड एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? मनीला। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस दोस्तों, ध्यान रखिएगा मनीला फिलीपींस में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जापानी मुद्रा कौन सी दोस्तों? येन जो है वो जो दोस्तों जापानी मुद्रा है। टका दोस्तों कहाँ की है? बांग्लादेश की दोस्तों टका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में है कमल की आकृति वाला संगमरमर पूजा घर, ठीक है। लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली में ही तो है दोस्तों। क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये दोस्तों क्वेश्चन तीन बार रिपीट हो गया, श्री माओ भंडार नायके जो दोस्तों हैं वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, संकेत छरों टीआरपी किससे संबंधित है दोस्तों? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, टीआरपी। आपको पता होगा टीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीआरपी टीवी चैनलों के लिए, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होते हैं ये। किसी टीवी चैनल की लोकप्रियता का परिचायक होते हैं टीआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है दोस्तों? गोवा में अंदर, गोवा के अंदर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों, गोवा के अंदर है। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में होती है, ध्यान रखिएगा एडीबी की दोस्तों 1966 में होती है। यह समुद्री क्रिया विधियों से जुड़ा एक देश का प्रमुख संस्थान है, ठीक है ना। गोवा की अगर बात करें दोस्तों, तो गोवा के वर्तमान सीएम दोस्तों कौन है? तो गोवा के दोस्तों वर्तमान सीएम है प्रमोद सावंत, ठीक है ना। गोवा की दोस्तों कैपिटल की पूछी जाती है, गोवा की कैपिटल दोस्तों क्या है? पणजी है गोवा की कैपिटल। गोवा में दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पणजी जो है तो वो दोस्तों मांडोवी नदी है एक, वहाँ पर कौन सी नदी है? मांडोवी नदी। तो मांडोवी नदी के दोस्तों किनारे जो है वो गोवा बसा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि थिम्पू कहाँ की राजधानी है? दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्पू, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेपाल की दोस्तों क्या राजधानी? काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। ठीक है ना। और नेपाल का दोस्तों
जो नेशनल गेम है दोस्तों क्या है? वॉलीबॉल। क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूटान का दोस्तों क्या है? आर्चरी। ठीक है। G15 दोस्तों क्या है? विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। G15, ग्रुप ऑफ 15 बोलते हैं दोस्तों उसको। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया यूरो का है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों पूछ ले जाते हैं कभी कभी। तो एक दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? तो बेंगलोर को दोस्तों टेक्नो पार्क कहते हैं। बेंगलोर को भारत का पहला टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम में। ये गलत है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना? कहां पर दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में, यानी कि केरल के अंदर टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है। ठीक है ना? और ये दोस्तों टेक्नो पार्क कब बना था? 1990 में दोस्तों ये टेक्नो पार्क बना था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? दोस्तों हांगकांग के अंदर। ठीक है ना? किस देश में हुई थी दोस्तों? हांगकांग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेलिंग वॉल स्थित है दोस्तों जेरूसलम में, वेलिंग वॉल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्न में से कौन सा है? मेनोर यामाशकी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, ध्यान रखना। टका की अगर बात करें दोस्तों तो ये बांग्लादेश की है। रुपया दोस्तों कहाँ की है? ये दोस्तों इंडिया की दोस्तों कहाँ की है? रुपया है। पाकिस्तान की भी पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका की भी श्रीलंकन रुपीज़ है। ठीक है। नेपाल की भी दोस्तों नेपाली रुपया है। डॉलर दोस्तों कहाँ की है? यूएसए की है। और भी कई कंट्री हैं जिसकी डॉलर होती है। सऊदी अरबिया की दोस्तों रियाल है। दुबई की दोस्तों धीरम है। मलेशिया की दोस्तों रिंगिट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है? वेटिकन सिटी है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यहाँ मात्र दोस्तों कितने लोग रहते हैं? दोस्तों 451 लोग रहते हैं मात्र। इसके पश्चात छोटे देशों में तुवालू दूसरे सबसे छोटा देश है। तुवालू की जनसंख्या दोस्तों कितनी है? 9,893। तो वेटिकन सिटी दोस्तों एक कंट्री है जो सबसे छोटे कंट्री है दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है। और बहुत ही दोस्तों सुंदर शहर है वेटिकन सिटी, और मात्र 451 लोग रहते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। सार्क की दोस्तों स्थापना पूछी जाती है 1995 में दोस्तों सार्क की स्थापना हुई थी, ध्यान रखने। काठमांडू दोस्तों कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेपाल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों रुपया जो है वो नेपाल की मुद्रा है, रूपी कहते हैं, रूपी रूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली दोस्तों बेंगलुरु है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली। दोस्तों अमेरिका में सिलिकॉन वैली सूचना प्रौद्योगिकी आईटी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इस दृष्टि से भारत का बेंगलोर सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि भारत की बड़ी आईटी कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस आदि वहीं पर स्थित हैं। अतः बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है। एक दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत में FERE का स्थान ले लिया है FEMA ने। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है दोस्तों, 1973 में आया था, ध्यान रखिएगा। फेरा बोलते हैं इसको, फेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों 2005 में दोस्तों इसका ये पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोस्तों अभी भी कौन बनाया गया है? जुल्का करके एक व्यक्ति है, जुल्का। अभी दोस्तों इनको हेड बनाया गया जुल्का करके, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
ठीक है ना। और दोस्तों अभी अभी हाल ही में और दोस्तों अभी अभी हाल ही में एक जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है करंट की, तो वो दोस्तों संजय कोठारी करके हैं। कौन है दोस्तों? संजय संजय कोठारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो पुत्रजया जो दोस्तों है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू से नाम से जुड़ा हुआ नवोदय विद्यालय, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जुड़ा हुआ है। एक दोस्तों क्वेश्चन है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा, नया नाम दोस्तों बुर्ज खलीफा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 818 मीटर की दोस्तों बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है, दोस्तों यूएसए है। संसार में जो सबसे ज़्यादा रेल जो दोस्तों है ना वो यूएसए के अंदर है। कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति की बात करिए तो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, तो संसार में रेलों का सबसे बड़ा दोस्तों जाल जो है वो यूएसए के अंदर है। कहाँ पर है? यूएसए के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय औषध अनुसंधान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। मतलब जो औषधि वगैरह बनती है ना, ड्रग लेबोरेटरी दोस्तों कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिडबी सिडबी, ठीक है दोस्तों, सिडबी के दोस्तों सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी दोस्तों लखनऊ के अंदर ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के अधीन है, दोस्तों डेनमार्क के अधीन है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? बैथलहम में। कहाँ पर स्थित है? बैथलहम में, बैथलहम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविख्यात पिरामिड कहाँ पर स्थित है? मिस्र के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग में पूछा था, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जेनेवा के अंदर दोस्तों डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और जेनेवा दोस्तों कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की दोस्तों युआन है, जापान की येन है। क्या है दोस्तों? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया लखनऊ के अंदर, औषध अनुसंधान आ जाना कहीं ध्यान रखना, क्या लगाओगे? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों हैदराबाद के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। क्या दोस्तों? हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, येन जो है, येन येन किस देश की मुद्रा है? दोस्तों जापान की दोस्तों येन मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, जापान की, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का दोस्तों जो एरिया कितना है दोस्तों? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का दोस्तों भारत का एरिया है। भारत दोस्तों पूरे विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों दूसरे नंबर सेवेंथ नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? सेवेंथ नंबर पर आता है। और दोस्तों परसेंटेज की अगर बात करिए तो 2.4% है टोटल परसेंटेज, ठीक है ना। भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों विश्व की सबसे दूसरी नंबर की जनसंख्या है, पहली नंबर की जनसंख्या दोस्तों चीन चाइना की है, ठीक है ना। भारत में दोस्तों कोस्टल लाइन पूछी जाती है, दोस्तों भारत के अंदर कोस्टल लाइन कितनी है दोस्तों? तो समथिंग 6,000 किलोमीटर की दोस्तों कोस्टल लाइन है, ठीक है ना। और भारत का वह कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा उसकी तट तट सीमा है? तो दोस्तों गुजरात जो है सबसे ज़्यादा तट सीमा वाला राज्य है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चेन्नई के अंदर है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जामिनर कहीं ना कहीं पूछ सकता है इन क्वेश्चनों को सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम में। कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? स्टॉकहोम में दोस्तों किया गया था 1968 में, पर्यावरण पर। ठीक है, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हो, तो दोस्तों इंटरनेशनल कंपनी हो जाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है जो सभी को पता होगा, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? वेल, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों भावनगर में दोस्तों पलिताना मंदिर स्थित है। पतिताना मंदिर गुजरात के भावनगर में स्थित है। यह जैन धर्म के ऋषभनाथ मंदिर है। यह मंदिर शत्रुघ्न पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान 30 मिनट तक उड़ाया था दोस्तों, सवारी करी थी, वो थे उसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है ना, इन्होंने दोस्तों कौन सा सवारी की थी दोस्तों? MKI-30 था सुखोई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए था? बृहस्पति ग्रह के लिए था दोस्तों नासा का जूनो मिशन। नासा की दोस्तों स्थापना 1958 में होती है, ध्यान रखिएगा। नासा का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Washington DC में है। कहाँ पर है दोस्तों? Washington DC में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों हैदराबाद को दोस्तों पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। कांडला दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है कांडला। कांडला पोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा। कोची दोस्तों केरल के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तूतीकोरिन दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों फिर आ गया, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? हैदराबाद को दोस्तों पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड दोस्तों कौन सा है? विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड। रेल बंधु है तो दोस्तों रेल बंधु क्या है? एक भारतीय रेल की पत्रिका है, सिंपल सी, रेल बंधु। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? कुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? कुर्ग में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार का उदाहरण है? भारतीय रेलवे दोस्तों एकाधिकार का उदाहरण है, यानी कि मोनोपोली। क्वेश्चन पूछा, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? दोस्तों WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1995 में। WTO का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 164 कंट्रीज दोस्तों इसकी सदस्य हैं, 164। क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क के पहले विस्तारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो दोस्तों KV सुंदरम जो थे भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, और पहले कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, सुकुमार सेन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा दूसरे जो दोस्त थे KVK सुंदरम, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में MTS में। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई थी? 1987 में दोस्तों समझौता ज्ञापन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, इनको दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये दोस्तों कहाँ के थे? USA के थे। और नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों किससे संबंधित थे? कृषि से, उन्होंने कृषि में बहुत अध्ययन किया था, ठीक है ना। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दोस्तों दिए जाते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों M. स्वामीनाथन ने दोस्तों हरित क्रांति जो है वो गढ़ा था, ठीक है ना। M. S. स्वामीनाथन इज अ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 में दोस्तों, ठीक है ना, 1950 में बने थे ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिग्वेली। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिग्वेली। ये दोस्तों नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के? नॉर्वे के। क्वेश्चन है दोस्तों देखो फिर रिपीट हो गया, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन कौन था? के वी के सुंदरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर है, ये कथन दोस्तों किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों ये कथन बोला था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे जो दोस्तों हैं वो आनंद वन स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन दोस्तों कहां पर स्थित है? चीन के अंदर। ठीक है ना, उसका दोस्तों जो नाम है ना दोस्तों उसका क्या है? दाओ ओ चेंग करके एक एयरपोर्ट है चीन के अंदर, दाओ चेंग यातिंग एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है पूरे विश्व का। समुद्र तल से दोस्तों इसकी ऊंचाई समथिंग 4412 किलोमीटर है, सॉरी मीटर। ठीक है, एक दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, लोक त्रासदी उसके जनक कौन माने जाते हैं? लोक त्रासदी के जनक, तो दोस्तों जनक कौन है दोस्तों उसके? गैरेट हार्डिन करके हैं दोस्तों इनके जनक है, गैरेट हार्डिन। ठीक है, ध्यान रखना, लोक त्रासदी के जनक कौन है? गैरे हार्डिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, लोक त्रासदी के जनक कौन है? गैरे हार्डिन। क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी, परंतु दोस्तों 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया? नीति आयोग। आजकल ये क्वेश्चन में बहुत बनता है, नीति आयोग की स्थापना किसने की थी या नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी। सारस दोस्तों कहाँ का राज्य पक्षी है? दोस्तों सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों गठन हुआ था 24 जनवरी 1950। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रथम सीएम की अगर बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के दोस्तों फर्स्ट राज्यपाल की अगर बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के दोस्तों फर्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें, महिला मुख्यमंत्री की दोस्तों वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का दोस्तों अगर एरिया की अगर बात करें दोस्तों 240,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या रहती है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों वर्तमान में सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों दो डिप्टी सीएम है वर्तमान में, जिनका नाम है दोस्तों केशव दिनेश शर्मा और केशव मौर्य। ठीक है ना दोस्तों, दोनों डिप्टी सीएम है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? सभी को पता है दोस्तों 403 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें दोस्तों कितनी है? 100 दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं, सॉरी 100 नहीं है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा सीट कितनी है? 31 दोस्तों राज्यसभा सीटें हैं। और जो विधान परिषद की दोस्तों सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 100 है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो फ्लावर है वो दोस्तों पलाश है। उत्तर प्रदेश का ट्री की अगर बात करी जाए तो अशोक है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो चीफ जो हाईकोर्ट है दोस्तों कहाँ पर है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों हाईकोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के वो दोस्तों कौन है? गोविंद माथुर, ध्यान रखना, गोविंद माथुर जो है उत्तर प्रदेश के। और दोस्तों सारस जो है, सारस उत्तर प्रदेश का क्या राज्य पक्षी है? ठीक है, इतनी मैंने आपको जानकारी जो है दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर। देहरादून दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है ना, भारतीय वानिकी जो वनों से संबंधित अनुसंधान होते हैं वो दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट नहीं है? दोस्तों यूके जो है वो एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट नहीं है। बहुत ही जल्द दोस्तों टेक्निकल पे बहुत अच्छे नोट्स आएंगे आपके लिए, चिंता मत करिए, टेक्निकल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर में।
दोस्तों एक क्वेश्चन बताइए, भारत की जो ऑरेंज सिटी है उसको क्या नाम है दोस्तों? ऑरेंज सिटी। तो दोस्तों नागपुर जो है वो भारत की ऑरेंज सिटी के नाम से जानी जाती है, नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1909 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा 1909 में। ठीक है ना। और दोस्तों 1909 में ICC की स्थापना भी हुई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? दुबई के अंदर है। वर्तमान में CEO मनु सहनी है, अध्यक्ष शशांक मनोहर है, ठीक है ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। BCCI की अगर बात करें तो अभी अध्यक्ष दोस्तों सौरभ गांगुली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? अटलांटा में। क्वेश्चन पूछा गया था कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अटलांटा में है। तो आप जानते हैं कंपनी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, अन्य विदेशी कंपनियां हैं, उन सब के बारे में दोस्तों जानिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए रखा, तो दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है, कर्नाटक में स्थित है। इसरो का दोस्तों मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीकी का विकास करना और इसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लागू करना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, पूछा गया था इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष गठन हुआ था? 1969 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बार बार जितना हम पढ़ेंगे वो चीज़ हमारे दिमाग में उतनी ही सेट होगी, 1969। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों गांधी जी ने बोला था भारत के राष्ट्रपिता जो हैं वो ग्राम राज्य से राम राज्य, ये किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? PIL क्या होता है दोस्तों? PIL पब्लिक ये गलत है दोस्तों, PIL का मतलब इंस्टीट्यूट नहीं होता, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटीग्रेटेड लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, CNG। तो इसका मतलब ये गलत है और यही हमको देखना था कौन सा नहीं है। CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, सभी को पता है। CNG की LPG की लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। SIT की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, KYC की नो योर कस्टमर, ठीक है। बैंकों में इसका प्रयोग होता है। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुसरण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो, लास्की ने बोला था ये स्वाधीनता। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1851 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों पूछा जाता है कोलकाता में, दोस्तों इसका मुख्यालय है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो श्रीधर करके दोस्तों इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है? दोस्तों केरल राज्य को दोस्तों गॉड ऑफ कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड ऑफ कंट्री, केरल को। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। BSF की बात करें तो 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोग्राम है, ये गलत है, ठीक है ना। इसका सही आंसर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1958 में हुआ था, सॉरी 1958 नहीं दोस्तों, 1974 में दोस्तों हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मार्च 1974 को दोस्तों हुआ था, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण दोस्तों 1998 में हुआ था, 1998 में दोस्तों भारत ने अपना दूसरा परीक्षण किया था, पोखरण 2 के नाम से वो प्रसिद्ध था, पोखरण 2। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीट मीट का संबंध किससे है? तो दोस्तों आगरा का जो पेठा है दोस्तों वो स्वीट मीट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? स्वीट मीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा प्रारंभ की गई सामान्य मुद्रा क्या नाम है? यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ऐसे दुर्लभ प्राणी से जो खतरे में होते हैं, रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत में विश्व की संस्कृति राजनीति कौन सी है? तो एग्जामिनर ने दोस्तों क्या पूछा कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों किसको कहा जाता है? कोलकाता को दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, कोलकाता को भारतीय संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों उदयपुर में। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक केंद्र है, राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों है। भारत के कुल जिंक का उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, जिंक का उत्पादन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर है ए राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके समाधि घाट को विजय घाट? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के समाधि घाट को दोस्तों क्या बोलते हैं? विजय घाट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु दोस्तों ताशकंद में हुई थी 1966 में। उनके जो जहाँ पर उनके समाधि स्थल है दोस्तों उसको लाल बहादुर शास्त्री, उसको विजय घाट कहा जाता है। और राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना, राजघाट जो है समाधि स्थल महात्मा गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों रामविलास पासवान जो है, उन्होंने लोकसभा में दोस्तों सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आए थे वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिद दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आता है, इन्फ्लेमेटरी, ये क्या खुल गया? चलिए दोस्तों कहां पर थे हम, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड। क्या होता है दोस्तों, EMI की फुल फॉर्म क्या होती है? EMI की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मनी इन्वेस्टमेंट। सॉरी दोस्तों, EMI की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इट इज अ EMI। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति की पिता कौन है? तो PG कुरियन। भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति के पिता जो हैं वो कहे जाते हैं। और अगर MS स्वामीनाथन की बात करें दोस्तों, तो वो कौन है? ये KBC में आया था दोस्तों, श्वेत क्रांति के पिता कौन है? PG कुरियन। ठीक है ना, भारत में दुग्ध क्रांति या इसको श्वेत क्रांति किसके लिए जानी जाती है? दूध के लिए, दूध प्रोडक्शन के लिए। और आपको बता दूं दोस्तों, भारत जो है वो पूरे विश्व में दोस्तों दूध का अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन को माना जाता है। इन्हीं के अथक वैज्ञानिक प्रयासों से भारत आज विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। MS स्वामीनाथन की अगर बात करूँ तो दोस्तों ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसके सबसे बड़े उत्पादक हैं, संस्थापक हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? तो दोस्तों लियोनार्डो द विंची, बहुत बड़े चित्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, लियोनार्डो द विंची, द लास्ट सफर दोस्तों इनकी एक चित्रित आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, अशोक स्तंभ। सलीम अली पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कामख्या मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर दोस्तों ये मंदिर स्थित है, कामख्या मंदिर। ठीक है,
और उदंती, और दोस्तों ये जो जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। कामख्या मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, असम के अंदर है। उदंती दोस्तों कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों उदंती है। और अशोक स्तंभ दोस्तों कहाँ पर है, बिहार के अंदर। तो आपके लिए सब कुछ जानना दोस्तों जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिशमेंट 1974, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे। दोस्तों अमेरिका के थे, यूएसए के थे, और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने दोस्तों बहुत काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन है, ठीक है ना। धीरम दोस्तों कहाँ की है, धीरम धीरम दोस्तों कहाँ की है, दुबई की दोस्तों धीरम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनार दोस्तों कहाँ की है, दिनार दिनार दोस्तों इराक की है। इराक की दोस्तों क्या है, दिनार। और चीन की दोस्तों क्या है, युआन, ठीक है। जापान की दोस्तों क्या है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जापान की दोस्तों क्या है, येन। ये करेंसी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में देखने को मिल जाती है यहाँ से। फिजी की राजधानी दोस्तों क्या है, फिजी की राजधानी, फिजी की राजधानी दोस्तों क्या है, सुवा। क्या है दोस्तों, सुवा। क्वेश्चन दोस्तों, मिस्र की कैपिटल का क्या है, क्या है। मिस्र की कैपिटल है काहिरा। केनिया की कैपिटल दोस्तों नैरोबी है। सूडान की दोस्तों कैपिटल है खार्तूम। और दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की दोस्तों क्या है, प्योंगयांग। जोहान्सबर्ग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना, केरल। सिंपल क्वेश्चन है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है, सहज समृद्धि। स्विट्जरलैंड में कानून बनाने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्राकृतिक रूप से वृद्धि करती है। यहाँ पर संस्थान पौधों की भांति है जो केवल अपने पहाड़ी ढालों पर अपने सूर्य की छत्र छाया में विकास करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नेपाल, ठीक है। नेपाल में दोस्तों गाय को पवित्र माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता योद्धा किसका द्योतक है। तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की थी। दोस्तों अमेरिका ने, ठीक है ना, एक टिकट दोस्तों प्रकाशित की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून में। भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। दोस्तों किरण बेदी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। सरोजनी नायडू दोस्तों प्रथम महिला कौन थी, गवर्नर थी। ये कहाँ की थी दोस्तों, यूपी की। इंदिरा गांधी दोस्तों फर्स्ट पीएम थी इंडिया की। और बचेंद्री पाल दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों एमंडसन। कौन था दोस्तों, एमंडसन जो थे वो साउथ पोल पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और मैगलन की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, मैगलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी दोस्तों कौन सी थी। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, सही आंसर है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1947 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों किसने लॉन्च किया था। तो दोस्तों सही आंसर है जेम्स हिकी करके व्यक्ति थे, उन्होंने दोस्तों बंगाल गजट
ठीक है ना, उन्होंने दोस्तों ये अखबार जो है उन्होंने लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? एस ए स्टूफर ने, मध्यवर्ती अवसर मॉडल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा बिर है? इथोपिया की दोस्तों मुद्रा जो है वो क्या है? बिर है, बिर, ध्यान रखिएगा, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़े नियुक्ता संस्थान द्वारा किसे वैश्विक सबसे बड़ा कर्मचारी माना जाता है? टीसीएस को, टाटा कंसिस्टेंसी सर्विस। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? श्रीवास्तव। क्वेश्चन है दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कौन थे दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी। कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। मलाला यूसुफजई दोस्तों पहली महिला थी जिनको दोस्तों सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लिया गया था, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? पीएचडी। सफ़ेद क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध से संबंधित है, वर्जिन कुरियन सही आंसर है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और आनंद भवन बाबा आमटे। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? एस एच एफ जे मॉनेकशॉ। जे मॉनेकशॉ दोस्तों भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। नौकरशाही के सिद्धांत यानी ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत का जनक कौन है दोस्तों? मैक्स वेबर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर वनस्पति संग्रहालय। भारतीय वनस्पतिक उद्यान दोस्तों कहां पर है? कोलकाता में। यह दोस्तों उद्यान हुगली नदी के किनारे स्थित है। विश्व में आकार की दृष्टि से सबसे बड़े वृक्षों में से यही महान बरगद का वृक्ष दोस्तों इस उद्यान में आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यह उद्यान दोस्तों स्वयं में एक लघु वन के रूप में प्रतीत होता है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय दोस्तों कहां पर है? कोलकाता के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL में पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? अभी तो दोस्तों सिक्किम है, फिलहाल की बात करी जाए तो सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी है किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है दोस्तों? एक सेकंड तो दोस्तों किस देश की दोस्तों? ये चेक गणराज्य की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है? तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है दोस्तों, इसके ब्रेल सिग्नलों की दोस्तों इसमें सुविधा है। भारत में किस शहर को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। किसको? कोलकाता को। और दोस्तों सिटी ऑफ डायमंड, डायमंड सिटी दोस्तों कौन सी? उदयपुर, उसको डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस शहर को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तीनों क्वेश्चन बनने यहां से तीनों। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि पहले तो ये बता दीजिए कि महलों का शहर दोस्तों भारत का कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जॉय ऑफ सिटी इंडिया की कौन सी है? कोलकाता। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? कोलकाता, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी। ₹1 के प्रीमियम भारतीय रेल विभाग कितनी राशि का बीमा कवर देता? ₹10 लाख का। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? दोस्तों थाईलैंड को दोस्तों सफेद हाथियों का देश जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है दोस्तों, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला दोस्तों कौन थी। कल्पना चावला जो है वो भारतीय मूल की दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली महिला थी। कल्पना चावला दोस्तों प्रथम भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने दोस्तों 1997 में गई थी वो, ठीक है ना। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कोलंबिया अंतरिक्ष यान दोस्तों एक यान था STS-87 से, ये एक यान का नाम था जिससे दोस्तों वो 1997 में गई थी अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री और 1984 में दोस्तों सुएज टी से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली अंतरिक्ष एक दोस्तों जो व्यक्ति थे वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। वर्ष 2003 में दोस्तों अपने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के दौरान कोलंबिया अंतरिक्ष यान से यात्रा करते हुए दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रमणता को किस नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन विजय, ठीक है ध्यान रखिएगा ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों। कारगिल का विजय युद्ध हुआ था, कारगिल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कारगिल की लड़ाई कब हुई थी तो 1999 में दोस्तों कारगिल की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखना उसको दोस्तों ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था और एक सशस्त्र विद्रोह था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी 2001 में। ये क्वेश्चन मैं पहले ऊपर करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। चिपकोनारा किससे संबंधित था दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुड़ा दोस्तों चिपकोनारा उन्होंने दोस्तों किया था। ये प्रसिद्ध गढ़वाड़ी पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुड़ा ने चिपकोनारा परिस्थिति स्थायी अर्थव्यवस्था है प्रतिपादन किया था। उन्होंने दोस्तों 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के एक सदस्य के रूप में सर्वप्रथम हिमालयी वनों के संरक्षण प्रदान करने के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, वन जो है वन संरक्षण से, वन संरक्षण से। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था तो दोस्तों JRD टाटा थे। कौन थे वो, JRD टाटा, ध्यान रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, निम्नलिखित में से गैट का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों गैट का जो पूरा नाम है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये दोस्तों यहीं से जान तो क्या पूछता है कि टी का मतलब बता दो, एंड के टी से पहले का मतलब बता दो ट्रेड, या फिर एंड के बाद का मतलब बता दो टी का टैरिफ। यहीं से क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। ए का मतलब बता दो एग्रीमेंट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बहुत ही जल्द टेक्निकल पर वीडियो आने वाली है दोस्तों, वेट करिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।